आजकल आपने एक चीज नोटिस करी होगी गूगल पर कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पोस्ट करते हैं या कुछ भी पूछते हैं गूगल से, तो आपको जो टॉप रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें कोरा जरूर होता है। ठीक है, अभी ट्राई करके आप देख सकते हैं, एक सेकंड लगेगा। गूगल पर कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कीजिए एंड आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोरा टॉप रिजल्ट्स में जरूर मिलेगा। और मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहती हूँ कि कोरा पर जो आपके आंसर्स पर ट्रैफिक आता है उसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गूगल। यानी जब लोग गूगल पर कोई सवाल पूछते हैं और उनको कोरा दिखता है, वहां पर क्लिक करके वो आपके आंसर पर जाते हैं, तो उससे भी हमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप गूगल का यूज करके ये देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पॉपुलर है, किस क्वेश्चन की ज्यादा डिमांड है और उसको आपको आंसर करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं गूगल एंड कोरा की। यस, कोरा के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की हम बात करेंगे गूगल पर उनका ट्रेंड चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पॉपुलर हैं, कौन से क्वेश्चंस गूगल पर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो हम कोरा पर आंसर करके अपने आंसर्स को पॉपुलर एंड ज़्यादा उन पर ट्रैफिक ला सकते हैं। तो मैं इन तीन निशेज पर, ये तीन मेरे कह सकते हो नो अबाउट्स हैं या फिर तीन ये मेरे टॉपिक हैं जिन पर मैं कोरा पर काम कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक केस स्टडी की तरह यूज करूंगी और इन्हीं का हुई हम देखेंगे कि आखिर गूगल पर इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पॉपुलर हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल इन गोवा। तो अब आपको करना क्या है कि सिंपली आपको गूगल पर आना है। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इनकॉग्निटो मोड पर आ जाएं, ठीक है, क्योंकि जिससे आपकी जो सर्च हिस्ट्री है उससे आपके रिजल्ट्स इंस्पायर्ड ना हो। ठीक है, तो अब मैं जैसे इनकॉग्निटो मोड पर आ गई, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो मेरा फर्स्ट निश है दैट इज ट्रैवल इन गोवा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगी, जैसे डायरेक्टली पहले मैं पुट कर देती हूँ ये दैट इज ट्रैवल इन गोवा और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो तो देखो ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है दैट वॉज हाउ शुड आई प्लान अ ट्रिप ऑफ अ फ्यू डेज टू गोवा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो लेट्स से कि इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। देन ये एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर सम बेस्ट गोवा ट्रैवल हैक्स, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। देन आई एम प्लानिंग टू ट्रिप टू गोवा, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू स्टे, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के आप देखोगे तो यहाँ पर 569 फॉलोविंग्स हैं और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ व्यू क्वेश्चन लॉग अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन यानी 8 लाख से भी ज्यादा इस क्वेश्चन के व्यूज आए हैं। तो मतलब अगेन इट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है। और अगर मैं इसके आंसर्स की बात करूं तो अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसके काफी सारे आंसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो यहाँ पर फॉलोइंग है इसकी 103 और इसके अगर मैं क्वेश्चन लॉग को देखती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 500,000 इसके व्यूज हैं। ठीक है, उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है इसके फॉलोइंग है 9, उसके अलावा अगर मैं इसके क्वेश्चन लॉक को देखती हूँ तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 22,000 इसके व्यूज हैं, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर्स को लोगों ने देखा है। ओके, एंड लेकिन इस क्वेश्चन के जो आंसर दिए गए हैं दैट इज 35 ही आंसर हैं। तो वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी आपसे कि कैसे चूज करें कि कौन से क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन मुझे इससे ये बात पता चली इस वाली एक्टिविटी से कि जैसे ये वाला आंसर जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब मुझे अलग से कोरा पर जाकर और एक एक क्वेश्चन का लॉग चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन गूगल पर पॉपुलर है मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। ठीक है, तो और कुछ आप यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और मुझे यहाँ पर कोरा चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोरा लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखते हैं ये भी अगेन अगर गूगल पर कोरा के नाम से ये पॉपुलर है तो ये भी पॉपुलर होगा एक्चुअल में। तो फॉलोइंग इसके 23 हैं और यहाँ अगर मैं इस क्वेश्चन को ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पर 30,000 के आसपास इसके व्यूज हैं। ठीक है, लेकिन इस पर जो टोटल आंसर्स दिए हैं वो 56 दिए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 82 इसके फॉलोइंग है। इसके क्वेश्चन लॉग में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करके तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इस पर व्यूज हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके निश में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि गूगल पर पॉपुलर हो रहे हैं, जो कि कोरा के क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो जिससे आपको कोरा में बेनिफिट तो मिले ही साथ में आपको गूगल का भी ट्रैफिक का बेनिफिट मिले। उसी के साथ ही देयर इज अ स्मॉल टिप, जैसे आप यहाँ पर लिखिए साइट एंड उसके बाद में कोलन लगा के आप लिखिए यहाँ पर कोरा.com
इसके बाद में आप अपने कीवर्ड्स मतलब जो भी आपके निश से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल इन गोवा, ये मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कोरा के हैं, कोरा पर ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं, और जो भी गोवा से रिलेटेड है, ट्रैवल इन गोवा से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इनको ओपन करके देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन पॉपुलर है। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो इसी बारे में है कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है कि किस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ये फॉलोइंग है, ये इसका क्वेश्चन लॉग है, तो ये चीज जो है आप देखकर और इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक तरीका हो गया टू फाइंड आउट द ग्रेट क्वेश्चन, सम फाइंड आउट सम पॉपुलर क्वेश्चंस यूजिंग गूगल, ठीक है। चलो इसके अलावा जैसे ये यूट्यूब ग्रोथ वाला मेरा निश है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी भी कैसे रिसर्च होगी। तो इसमें भी जैसे आप ये कर सकते हैं, कोरा.com आपने ऐसे किया और अब आप यूट्यूब ग्रोथ जैसे लिख दीजिए या फिर यूट्यूब लिख दीजिए जैसे आपको ठीक लगे। जैसे व्हाट इज यूट्यूब ग्रोथ, जैसे ये वाला मेरा क्वेश्चन हो गया, तो ये देखोगे फॉलोइंग इसकी 3 है, 33 इस पर आंसर्स दिए हुए हैं और इस पर अराउंड 1800 व्यूज है, मतलब ओवरऑल इस क्वेश्चंस के मिला के, ठीक है। उसके अलावा जैसे यूट्यूब को ग्रोथ को मैं हटा देती हूँ, सिर्फ मैं यूट्यूब लिखती हूँ तो देखते हैं क्या आता है। व्हाट इज यूट्यूब, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब वीडियोस। अब ये क्वेश्चन है डेफिनेटली क्योंकि टॉप पर आया है यूट्यूब कीवर्ड पर, तो डेफिनेटली इसके ऊपर अच्छा वॉल्यूम होगा। तो इस पर आप देख सकते हो कि इस पर 1.3K इसके फॉलोवर्स हैं इस क्वेश्चन के, और इसका अगर मैं क्वेश्चन लॉग देखती हूँ तो देखोगे 1 मिलियन से भी ज्यादा इसके व्यूज है ना। तो ये दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट पॉपुलर क्वेश्चंस ऑन कोरा, ठीक है। सो जैसे यूट्यूब हो गया, अब यूट्यूब से रिलेटेड जैसे अब मैंने यूट्यूब लिखा है, तो आप इसको अलग अलग मर्जो अपने यूट्यूब से ही रिलेटेड कुछ अलग कीवर्ड्स आप जो है ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यूट्यूब SEO ऐड किया तो ये क्वेश्चन आया, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने ये आपको बताया था कि GMAT एग्जाम प्रिपरेशन, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, सो दैट यू नो आप अपने भी निश पर इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर GMAT इन इंडिया, ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। देन ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन GMAT की कैटेगरी में कुछ ज्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा GMAT एग्जाम सिर्फ मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो देखो अगेन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गए, सिर्फ GMAT में यहाँ पर लिखती हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पर और क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये सिंपल सी जो स्ट्रैटेजी है ये अप्लाई करके कुछ पॉपुलर क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन निकाला तो इसको जो है आप इस आंसर लेटर वाली कैटेगरी में डाल सकते हो, है ना। ऐसे रिसर्च करके आपने एक लॉग बना लिया लाइक 50 क्वेश्चंस का, तो अब आपकी रिसर्च खत्म हुई, अब आपको ये पता चल गया कि इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, मतलब एक कैटेगरी आपके पास आ गई, उसमें से अब बस आपको चूज करने हैं क्वेश्चंस और उनका बहुत ही बेहतरीन आंसर देना है, ठीक है। सो दिस वॉज आर वे टू डू द कोरा क्वेश्चन रिसर्च फ्रॉम गूगल, ठीक है, और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो आज ही इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कोरा का ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है, मेक श्योर करो एक भी वीडियो मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।